गर्मी का मौसम आते ही जिले में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन वो विभाग खुद संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। अग्निशमन विभाग को वाहनों और संसाधनों की कमी के कारण काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं देहरादून के अग्निशमन विभाग की, जहां अभी होम टेंडर 28 और वाटर टैंक 70 उपलब्ध है, लेकिन 45 वाहन 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। साथ ही पोर्टेबल पंप केयरिंग व्हीकल 22 हैं, लेकिन ये भी 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। वहीं इसके साथ ही फोम और पानी वाले फायर टैंकर की 98 गाड़ियां हैं। इनमें से करीब 50 गाड़ियां ऐसी हैं जो 18 साल से ऊपर यानी कि अपनी उम्र पार कर चुकी है, जबकि नियमानुसार 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर नहीं दौड़ाया जा सकता। फिर भी फायरकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हीं वाहनों को दौड़ा रहे हैं। वाहनों की स्थिति को देखते हुए आरटीओ ने भी आगे रजिस्ट्रेशन करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 47 फायर स्टेशन, 11 की हालत खराब। फायर ब्रिगेड में प्रदेश भर में 47 फायर स्टेशन हैं, इनमें से 11 जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं। इसके अलावा 9 यूनिट ऐसे हैं जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। विभाग की ओर से शासन को 20 फायर स्टेशनों के नव निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड की मांग की गई है, लेकिन अभी तक अग्निशमन को फंड नहीं मिल पाया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। साधनों की बात है कि भाई अगर वाहन मशीन उपकरणों की बात है तो वर्तमान में हमारे यहाँ 72 वाटर टेंडर है, 48 टोटल फायर स्टेशन है हमारे, जिसमें 22 कुमाऊं में है और बाकी 26 के आसपास हमारे जो है गढ़वाल डिवीजन में है। तो हर स्टेशन पे जो है हमने ये कोशिश करते हैं कि भाई एक वाटर टेंडर दे दिया जाए, एक होम टेंडर दे दिया जाए, एक रेस्क्यू टेंडर दे दिया जाए इमरजेंसी के लिए। बड़े स्टेशन है वहाँ पे इस चीज़ को डबल कर दिया जाता है, बट उसमें विडंबना ये है कि क्योंकि अब कुछ हमारे 45 के करीब ऐसे फायर टेंडर है जो 15 साल की जो है नियत पूरी कर चुके हैं, उनकी समय अवधि पूर्ण हो चुकी है, अब उसको रिप्लेसमेंट करने की नीड है। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने एक विश्व बैंक न्यू पेपर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमने कुछ उसमें वाहनों की क्विक रिस्पांस व्हीकल्स की मांग की है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, जिसमें हमने 24 से 25 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स मांगे हैं, जो कि मल्टीयूटिलिटी व्हीकल्स हैं, अपनी रीच और एक्सेस बढ़ाने के लिए वो रेस्क्यू के साथ साथ फायर का भी कार्य करेंगे, फायर फाइटिंग का भी।